दोस्तों, श्री बलदाव जी मंदिर के जस्ट बगल में श्री गोविंद जी मंदिर है जो सामने आपको दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको श्री गोविंद मंदिर जी लेकर चलता हूँ। दोस्तों, जैसे ही श्री बलदेव जी मंदिर की बाउंड्री खत्म होती है तो दोस्तों यहाँ पर ये श्री बलदेव जी बाग है। वो श्री बलदेव जी बाग से सटे हुए सामने जो आपको पीले रंग का गेट नजर आ रहा है वो गोविंद जी मंदिर है। चलिए दोस्तों, एक बार आपको इस बलदेव जी बाग में भी दर्शन करा देते हैं। इधर देखिए दोस्तों, आपको श्री बलदेव जी मंदिर नजर आ रहा है और इस वक्त में श्री बलदेव जी का ये जो बाग है, जो पार्क है, उसके अंदर मौजूद हूँ। और इधर दोस्तों, ये श्री गोविंद जी मंदिर है। दोनों के बीच में सिर्फ इतना अंतर है कि दोनों के बीच में एक छोटा सा पार्क है। दोस्तों, इस वक्त मैं इस श्री बलदेव जी बाग में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर श्री बलदेव जी और गोविंद मंदिर जी घूमने आते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर इस पार्क में बैठकर कुछ समय के लिए आराम भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क के अंदर आपको काफी छायेदार पेड़ देखने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखने के मिलते हैं। दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ यह भी अति विशाल आम का पेड़ है। दोस्तों, इस बलदाव जी उद्यान के बाद अब मैं अगले स्पॉट श्री गोविंद जी मंदिर के लिए जा रहा हूँ। पहुंच गए फाइनली दोस्तों गोविंद जी मंदिर पर, और सामने दोस्तों आप इस श्री गोविंद जी मंदिर का गेट देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको इस मंदिर को आज दिखाते हैं। दोस्तों, हमने इस गेट से श्री गोविंद जी मंदिर में एंट्री की है, और सबसे पहले दोस्तों इस परिसर से मैं इस भव्य मंदिर का आपको एक व्यू दिखा रहा हूं। और दोस्तों, जैसे ही आप इस गेट से घुसते हैं तो सामने में एक ये मंदिर मिलता है जो कि दोस्तों वीर बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। चलिए दोस्तों, अब हम इस श्री गोविंद जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। राधे राधे, मेरा नाम पुरुषोत्तम चौबे पुजारी है। मैं गोविंद जी मंदिर का पुजारी हूँ। ये गोविंद जी मंदिर है पन्ना में, जो चारों धामों में आता है। और ये गोविंद जी मंदिर है, ये राधा कृष्ण भगवान गोविंद जी हैं। ये कृष्ण भगवान का छोटा रूप है। ये रुद्र प्रताप जी ने बनवाया हुआ था, यहाँ के राजा थे जो पन्ना की। दोस्तों, श्री गोविंद जी धाम में दर्शन करने के बाद अब मैं अपने अगले स्पॉट के लिए श्री जगन्नाथ जी मंदिर जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों इस सफर को यहीं खत्म करते हैं और अब मिलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।